सम्राट बस के मालिक राजू खान पर बक्सेडीह रोड में दिनदहाड़े फायरिंग कांड का खुलासा शनिवार को भी नहीं हो पाया। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कांड के तार बस पड़ाव की टोल वसूली से जुड़ा हो सकता है। बस पड़ाव की बंदोबस्ती में टोल वृद्धि को लेकर बस मालिकों ने इसका विरोध करते हुए बैठक की थी। संभावना जताई जा रही है कि इसी विरोध को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई हो। दैनिक जागरण के मुताबिक कांड के मूल में यह एंगल हो सकता है। वैसे इस घटना को अंजाम देने के बारे में पीड़ित राजू खान कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस पहले अपराधियों को दबोचने का काम करे, अगर पुलिस इसमें कामयाब नहीं होगी तो बाद में सब कुछ बताया जा सकता है। चर्चा है कि घटना को अंजाम देने पहुंचे अपराधी बिहार के रहने वाले हैं और पूर्व में भी गिरिडीह में देखे गए हैं। वैसे किस वजह से इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। जब तक अपराधी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आएंगे तब तक इस कांड से पर्दा नहीं उठ पाएगा।